तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फेसबुक अकाउंट के पासवर्ड को कैसे पता करें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, फेसबुक अकाउंट के पासवर्ड को पता करने के लिए आप लोगों को सबसे फर्स्ट क्या करना है, अपने मोबाइल फोन में सेटिंग्स को ओपन कर लेना। जैसे कि मैं अपने सेटिंग्स को ओपन कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल ऑन करके नीचे आना है। जैसे कि मैं यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ, नीचे आने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर से एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है गूगल का। तो आप लोगों को गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर से एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑटो फिल। तो आप लोगों को ऑटो फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप लोगों को ऊपर में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑटो फिल विद गूगल। तो आप लोगों को ऑटो फिल विद गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप लोग नीचे में देख सकते हो पासवर्ड का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो आप लोगों को पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना। वेट कर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर से एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है facebook.com। तो आप लोगों को यहाँ पर से क्या करना है, facebook.com वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे लॉक मांगेगा। तो आप लोगों को अपना यहाँ पर से लॉक डाल देना है। लॉक डाल देने के बाद दोस्तों अगर आप लोग आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर से फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड दिख जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर से फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड नहीं दिख रहा है तो आप लोगों को यहाँ पर से क्या करना है दोस्तों, पूरा बैक आना है। जैसे कि मैं यहाँ पर से पूरा बैक आ रहा हूँ, आप लोगों को भी इसी टाइप से पूरा बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पर से अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे कि मैं अपने यहाँ पर से फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों आप लोग ऊपर कॉर्नर में देख सकते हो थ्री डॉट का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो आप लोगों को थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर से देख सकते हो सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो आप लोगों को सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर से एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेटिंग्स का। तो आप लोगों को सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो आप लोग ऊपर में देख सकते हो अकाउंट सेंटर का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो आप लोगों को अकाउंट सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर से देख सकते हो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो आप लोगों को पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप लोग ऊपर में देख सकते हो चेंज पासवर्ड का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो आप लोगों को चेंज पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर से फेसबुक अकाउंट का यूजर नेम दिख जाएगा। तो आप लोगों को अपने फेसबुक अकाउंट के यूजर नेम पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों आप लोग नीचे में देख सकते हो फॉरगेटन योर पासवर्ड का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो आप लोगों को फॉरगेटन योर पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपका ईमेल आईडी या फोन नंबर जो भी आपके फेसबुक अकाउंट से लिंक होगा उस पे एक कोड जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अपना कोड किस पे गिराना चाहते हो, ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर पे? तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को अपना ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आप लोग नीचे में देख सकते हो कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो आप लोगों को कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट कर लेने के बाद दोस्तों देख सकते हो हमारा यहाँ पर से कोड अभी तक नहीं आया। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट कर लेने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर से देख सकते हो हमारा कोड आ चुका है। तो चलिए दोस्तों हम लोग ये कोड को यहाँ पे लिख लेता हूँ। कोड को लिख लेने के बाद दोस्तों आप लोग नीचे में देख सकते हो कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो आप लोगों को कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से लोडिंग होगा। तो आप लोगों को वेट कर लेना है। वेट कर लेने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर से देख सकते हैं क्रिएट अ न्यू पासवर्ड। आपसे दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट ही न्यू पासवर्ड मांग रहा है, आपसे यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड नहीं मांग रहा। तो आप लोगों को अपने यहाँ पर से न्यू पासवर्ड डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ दोस्तों। न्यू पासवर्ड डाल लेने के बाद दोस्तों आप लोग नीचे में देख सकते हो नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो आप लोगों को नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा वेट लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। वेट कर लेने के बाद दोस्तों आपका फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों यही था सिंपल सा मेथड फेसबुक अकाउंट के पासवर्ड को पता करने का। अगर दोस्तों आपने अपने फेसबुक अकाउंट के पासवर्ड को पता कर लिया है तो कमेंट में थैंक जरूर से लिखना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि इस टाइप का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूँ।